क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया गया है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन इनटू द मेस। तो यहाँ पर खाने की बात हो रही है, कुछ हॉस्टल का चार्ज फिक्स होता है और कुछ जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए खाना ले रहे हो। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट 20 दिन के लिए खाना ले रहा है तो यहाँ पर उसके उसको पे करना पड़ रहा है 1000 रुपीज हॉस्टल चार्जेस के। तो यहाँ पर उसको पे करना होगा कुछ फिक्स चार्ज और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होता है। ऐसे स्टूडेंट बी है, अगर वो खाना ले रहा है 26 दिन के लिए तो उसको पे करना है 1180 रुपीज। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है। तो मैंने अज्यूम कर लिया है फिक्स चार्ज यहाँ पर एक्स है और रिमेनिंग चार्ज यहाँ पर वाई दिया गया है। ठीक है, मान लिया है मैंने इसको यहाँ पर वाई, जो कि एक दिन का खाने का खर्च है। अब यहाँ पर ये एक दिन का जो फिक्स चार्ज है आपके पास एक्स हो जाएगा, और 20 वाई क्यों किया, क्योंकि एक दिन का आपको पता है चार्ज कितना है वाई, तो 20 दिन के लिए 20 वाई, और टोटल जो पे कर रहा है कोई भी स्टूडेंट वो 1000 रुपीज है। ऐसे ही दूसरा चार्ज हो जाएगा एक्स, एक्स फिक्स चार्ज है, और 26 वाई मतलब 26 दिनों के लिए खाना लिया है, तो 26 दिन के लिए वो चार्ज लग जाएगा एक्स्ट्रा चार्ज जो रिमेनिंग चार्ज है, और ये टोटल स्टूडेंट पे कर रहा है 1180 रुपीज। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करते हैं इनको, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहले एक्स प्लस 20 वाई माइनस 1000 इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस 26 वाई माइनस 1180 इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पर आप देख सकते हो एक्स वाई और वन लिखा हुआ है, एक्स के नीचे लिखते हैं हम वाई के कोफिशियंट, तो 20 और 26 आ जाएंगे, और यहां पर वाई के नीचे लिखते हैं जेड, ठीक है, और जो कि कांस्टेंट होते हैं, तो माइनस 1000 और माइनस 1180। उसके बाद हम लिखते हैं कांस्टेंट के नीचे लिखते हैं एक्स के कोफिशियंट जो कि 1 और 1 है, फिर अगेन हम क्या लिखते हैं जो एक्स के नीचे लिखे हुए हैं नंबर वो ही हम रिपीट करते हैं। तो यहां पर एक्स अपॉन हो जाएगा 20 इंटू माइनस 1180 माइनस 26 इंटू माइनस 1000। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई है, वाई के लिए माइनस 1000 इंटू 1 माइनस 1000 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर 1080, और यहां पर 1 अपॉन आ जाएगा 26 माइनस 20। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स अपॉन 2400 वाई अपॉन 180 और इक्वल्स टू ये 1/6 आता है। तो इसको और इसको कंपेयर कर देते हैं, इक्वल है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाती है 400 और वाई की वैल्यू हो जाती है 30। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज आपके पास 400 आ गया है और जो डेली का चार्ज है वो आ गया है 30 रुपीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, अब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं क्या करना है आपको, न्यूमरेटर एक्स अज्यूम कर लो, डिनोमिनेटर वाई अज्यूम कर लो। अब देखते हैं क्या बोला इसने, अब फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है 1/3, तो मैंने उसको 1/3 लिखा है। कब 1/3 है, जब आप एक सब्ट्रैक्ट करते हो न्यूमरेटर में से, तो मैंने एक्स माइनस वाई कर दिया है, वाई के बारे में कुछ बात नहीं की गई है डिनोमिनेटर के बारे में, तो उसको आप टच मत करें, छेड़े मत। तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी 3x - y - 3 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के बारे में दी गई है वैल्यू फ्रैक्शन की 1/4, कब दी गई है, जब आप 8 ऐड करते हो डिनोमिनेटर में, तो मैंने वाई में 8 ऐड कर दिया है, और इक्वेशन ये बन जाती है 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस है, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट लिखते हो, एक्स के नीचे लिखते हो आप वाई के कोफिशियंट, तो वाई के कोफिशियंट यहां पर क्या है -1 और -1, और वाई के नीचे लिखते हो कॉन्स्टेंट तो -3 और -8, और यहां पर 1 के नीचे लिखते हो आप यहाँ एक्स के कोफिशियंट 3 और 4, फिर अगेन आप वही नंबर लिखते हो जो एक्स के नीचे लिखे हुए हैं -1 और -1। एक्स की वैल्यू के लिए -1 × -8 और -3, तो यहाँ पर 8 - 3, और ऐसे ही वाई के लिए -3 × -4 - 12, और ये +24, और वाई के नीचे -3 + 4, तो ऐसे ही एक्स की वैल्यू आ जाती है 5 आपके पास, और वाई की वैल्यू आ जाती है 12, तो आपका फ्रैक्शन 5/12 बन जाता है। ये क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर सेकंड था। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड में क्या बोला गया है हमको, यश है वो स्कोर करता है 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, उसको 40 मार्क्स मिले हैं टेस्ट में। अब ये क्या बोला गया है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क कटता है। ठीक है, अब 4 मार्क्स जो है दिए जाते हैं ईच करेक्ट क्वेश्चन पे, और 2 मार्क्स डिडक्ट करते हैं ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन पे। तो जब यश स्कोर करता है 50 मार्क्स, तो 2 कंडीशंस दी गई हैं आपको। अब हम एज्यूम कर लो कि राइट आंसर एक्स है
और रॉन्ग आंसर्स वाई है। तो आपको पता है अगर वो राइट आंसर कर रहा है सही तो उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 3 × x मतलब टोटल मार्क्स सही करने के हो जाएंगे, और 1 मार्क्स लूज कर रहा है तो माइनस वाई, ठीक है। अब इक्वल्स टू 40 है, वो 40 कोड कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकंड के लिए क्या है, 4 नंबर मिल रहे हैं उसको जब वो सही करता है, तो 4 × x माइनस 2 × y, क्योंकि हमने माना है गलत क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स करते हैं 2, तो y हमारे पास गलत क्वेश्चन है तो इसलिए 2y हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट टोटल मार्क्स उसको मिल रहे हैं 50। ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको सेम प्रोसेस से सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। एक्स वाई 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस 1 और माइनस 2 आ जाएगा, और ये माइनस 40 माइनस 50 और फिर से 3 और 4 और अगेन आपका ये नंबर माइनस 1 और माइनस 2। आप इक्वेशन को सोल्व करो, माइनस 1 इंटू माइनस 50 50 माइनस 80, और ऐसे ही माइनस 40 इंटू 160 माइनस 160 और माइनस और माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा 150। 3 × 2 यहाँ पर 3 × −2 माइनस 6 और प्लस 4, तो यहाँ पर आप इक्वेशन सोल्व करते हो, एक्स की वैल्यू 15 और वाई की वैल्यू 5 आती है, जो उसने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, वो 15 है और गलत किए हैं 5, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे आपके पास 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4th की बात करते हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, ठीक है। ए और बी जो प्लेस है वो 100 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है उनके बीच में, और एक कार स्टार्ट होती है ए से और दूसरी होती है बी से सेम टाइम में, और वो सेम डायरेक्शन में जा रही है डिफरेंट स्पीड्स में, तो मिलती है 5 घंटे बाद। अगर वो ट्रैवल करती है एक तरफ दूसरों के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो वो 1 घंटे में मिलती है, तो उनकी स्पीड्स क्या है कार की, हमने स्पीड्स एज्यूम कर लिए एक्स किलोमीटर पर आवर वाई किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है जब वो जा रही है वो मिलते हैं 5 घंटे में, तो यहां पर आपको पता है टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और जब आप माइनस करते हो किसकी डिस्टेंस, वाई की डिस्टेंस, तो वो कितना है 100 के इक्वल है, तो एक्स माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 आ जाता है, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 है। जब कब है 100 किलोमीटर, क्यों, जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। आपको यहां पर पता चल गया ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब यहां पर सिंपल आपको वैल्यूज लिखनी है और ये सोल्व करना है सेम प्रोसेस से, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है ये माइनस 1 और 1 आ जाएगा, और यहां पर माइनस 20 और माइनस 100, और ऐसे ही ये क्या आ जाता है आपके पास, फिर से 1 और 1 और अगेन माइनस 1 1। तो यहां पर एक्स के लिए आप ये सोल्व कर दीजिए, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, वाई के लिए इसको इससे और इसको इससे, तो यहां पर आपके पास एक्स की और वाई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये कंडीशन, ये इक्वेशंस बनानी सिर्फ मेन थी, और इस इक्वेशंस के बाद आपको सिर्फ वही प्रोसेस अप्लाई करना था जो कि आपने किया था, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब कार सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनकी स्पीड, उनका डिस्टेंस जो है, यहाँ पर आपको पता है डिफरेंस दिया गया ना, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, वो मिलती किसी टाइम पे है, उनकी अलग अलग स्पीड है, ठीक है। अगर वो इस पॉइंट पर मिल रही है, ये ए से, और ये आप किसी भी पॉइंट मान लो, यहाँ पर ये देखो इस पॉइंट पर मिल रही है अगर दोनों कार्स, तो उनके बीच की डिफरेंस कितने होने वाली है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस कितने होने वाली है, 100 ही तो होने वाली है ना, तो आपको ये पता चल गया। इसलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, उनको टोटल वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अगर एक कार यहां से चलती है और एक कार यहां से चलती है, अगर वो मिलती कहीं पर है तो वो टोटल तो डिस्टेंस 100 ही कवर करने वाली है ना, इसलिए यहां पर आपको पता चल गया। तो यहां पर 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100 इसलिए हुआ। अब आपको पता चल गया है जब कोई भी दो व्हीकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो यहां पर माइनस हो जाती है और यहां पर एड हो जाती है जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं। ये याद रखना आप आगे क्वेश्चंस के लिए भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिड्यूस कर दिया है 9 स्क्वायर यूनिट से, और लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया है 3 यूनिट से, ठीक है। फिर दोबारा क्या बोला गया, अगर हम इंक्रीज करते हैं लेंथ को 3 यूनिट से और ब्रेथ को 2 यूनिट से, तो एरिया इंक्रीज होता है 67 स्क्वायर यूनिट। तो सिंपल हमको पता है लेंथ और ब्रेथ, आप एज्यूम कर लीजिए। पहले हमने क्या किया है, यहां पर लेंथ को डिक्रीज किया है 5 यूनिट से, तो एक्स माइनस वाई। ब्रेथ को इंक्रीज किया है 3 यूनिट से, तो एरिया क्या होता है एक्स वाई, वो डिक्रीज हो गया है 9 यूनिट, तो माइनस 9 कर दिया है, इक्वेशन आ गई है आपकी ये। ऐसे ही हमने फर्स्ट में, सेकंड में हमने क्या किया है, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, ब्रेथ को 2 यूनिट, और एरिया भर जाता है 67 यूनिट से। तो यहां पर ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब आपको करना क्या है, सिंपल इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। माइनस 5 और 3, माइनस 6 और 61,
और फिर 3 और 2 आ जाता है आपके पास -5 3 है, आप अगेन लिखते हो -5 into -61 माइनस बीच में और -6 into 3 ये एक्स अपॉन एक्स का रेशियो आ गया है, वाई अपॉन -6 into 2 माइनस -61 into 3 ये वाई के लिए, और यहाँ पर 1 के लिए आ जाता है आपके पास 3 into 3 माइनस -5 into 2। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं, एक्स अपॉन -323 वाई अपॉन -171 इक्वल्स टू -1/19। आप इन दो रेशियो कंपेयर कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाती है 17 यूनिट्स और वाई की वैल्यू आ जाती है 9 यूनिट्स।